नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं एक किचन टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब कभी घर में अधिक मात्रा में धनिया होता है तो कुछ दिनों में उसके पत्ते पीले हो जाते हैं या सड़ने लगते हैं। ऐसे समय में आप मेरी इस किचन टिप्स से धनिए को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद भी इस टिप्स को इस्तेमाल करती हूँ, मुझे रिजल्ट अच्छा मिला है, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये किचन टिप्स पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले धनिए को एक बड़े बाउल में लेकर अच्छे से धोना है। 2 से 3 बार पानी बदलकर धनिए को अच्छी तरह से धोना है। धनिया को पानी से निकालकर एक छलनी में डालकर 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। धनिए को छलनी में रखे हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अब एक साफ किचन नैपकिन लेना है और धनिए को हल्के हाथों से पोंछना है। पोंछते वक्त ध्यान रखें कि हाथों के दबाव से पत्ते खराब ना हो जाएं। धनिया को किचन नैपकिन से पोंछने के बाद अब टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना है। फिर से हमें हल्के हाथों से धनिया को टिश्यू पेपर से पोंछना है। एक ही टिश्यू पेपर को बार बार यूज ना करें। धनिया की क्वांटिटी के हिसाब से 3 से 4 टिश्यू पेपर पहले ही अपने पास रख लें। नैपकिन और टिश्यू पेपर से पोंछने के बाद आप देख सकते हैं कि धनिए के पत्ते कितने खिले खिले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि धनिए को पोंछते वक्त ज्यादा प्रेशर देकर नहीं बल्कि हल्के हाथों से पोंछना है, जिससे धनिया हम जितने दिनों के लिए स्टोर करके रखेंगे तब तक पत्ते फ्रेश रहेंगे। अब इस धनिया को हमें चॉप करना है। धनिया को चॉप करने के बाद हमें जिपलॉक पैकेट्स का इस्तेमाल करना है। मैं इस तरह के पैकेट्स यूज कर रही हूँ। आपके पास जिस टाइप के हैं आप यूज कर सकते हैं, और जिपलॉक पैकेट्स छोटे हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इन धनिये के पैकेट्स को 2 से 3 महीनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और जब जरूरत हो तो एक छोटा पैकेट निकाल कर यूज कर सकते हैं। इस तरह धनिए को पैकेट्स में भरकर रेफ्रिजरेटर में रखना है, और 2 से 3 महीनों तक फ्रोजन धनिया हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए किचन टिप्स के साथ, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।